एक ही दिन में बदला टीम इंडिया के स्क्वाड, केएल राहुल हुए बाहर, ईशान किशन की हुई बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी। जी हां दोस्तों, इस समय ईशान किशन और बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर कोई और नहीं बल्कि खुद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने दी है। हम आपको बता दें कि करीब एक महीने के आराम के बाद अब भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज और 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने वाली है, जिसका पहला टेस्ट मुकाबला 19 सितंबर से चेन्नई के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, जिसके लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान भी किया गया था, जहाँ केएल राहुल, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल को विकेट कीपर के रूप में टीम में शामिल किया गया था। लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि केएल राहुल किसी निजी कारणों की वजह से बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह पे लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे ईशान किशन को बैकअप के रूप में टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, केएल राहुल और ईशान किशन में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, कॉमेंट में जरूर बताएं।